प्रधानमंत्री की मन की बात के 100वें एपिसोड का बीजेपी प्रचार तंत्र और मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा ऐसा तमाशा खड़ा किया गया है जिसकी प्रशंसा से ज्यादा आलोचना की जा रही है। मन की बात के 100वें संस्करण पर मीडिया ने अनोखी खबरों और पत्रकारिता के अतरंगी प्रयोगों का अभूतपूर्व मिश्रण प्रस्तुत किया है। ऐसा प्रतीत होता है प्रधानमंत्री की मन की बात सुन लेने मात्र से ही भारत विश्वगुरु बन जाएगा, जबकि देश की राजधानी में ही देश के लिए मेडल जीतने वाली बेटियां प्रधानमंत्री के आवास से कुछ ही दूरी पर बीजेपी के ही सांसद के खिलाफ न्याय की गुहार लगा रही हैं। इन बेटियों की मन की बात सुनने के लिए न तो मीडिया तैयार है और न ही प्रधानमंत्री। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात करना भूल ही जाइए। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जन सरोकार के मुद्दों पर एक भी रिपोर्टर को जमीन पर न भेजने वाले न्यूज 18 ने प्रधानमंत्री के मन की बात का प्रचार करने के लिए 100 रिपोर्टरों की फौज खड़ी कर दी है। और इस चैनल के कर्ता धर्ता अमीश देवगन ने ट्वीट करते हुए कहा है, पीएम मोदी के मन की बात के 100 एपिसोड माइलस्टोन है। ऐसे हीरो जिनको न कोई जानता है न कभी बात होती थी, उनको मन की बात ने लोगों का हीरो बना दिया। न्यूज 18 और अमीश देवगन को आईना दिखाते हुए वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने कहा, मन की बात का नया तमाशा अजीब हो रहा है। पता करना चाहिए कि इन 100 रिपोर्टरों में से कितनों ने मन की बात का पूरा कार्यक्रम सुना है। इस तरह से देश में इवेंट खड़े किए जाते हैं। आपके मुद्दे को कवर करने के लिए 2 रिपोर्टर नहीं होते, मन की बात के कवरेज पर 100 रिपोर्टर। दोस्तों, न्यूज 18 की ही तरह आज तक भी प्रधानमंत्री की मन की बात प्रचारित करने के लिए एक अनोखी खबर लेकर आया है, जिसके मुताबिक राजस्थान के भीलवाड़ा में एक दूल्हे ने विवाह मुहूर्त और इससे जुड़ी रस्मों को टालकर प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री और उनकी मन की बात के ऐसे व्यापक प्रचार और इवेंटबाजी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, आज फेंकू मास्टर के लिए विशेष दिन है। मन की बात के 100वें एपिसोड की सूचना को बड़े ही धूमधाम से फैलाया जा रहा है।